हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैसे काम करती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या बोलती है। हेडिंग डालिए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी। इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी, स्टेशनरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। टू मैग्नेटिक फील्ड विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ट्यूड विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड स्पीड बट रेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन ये देखते हैं कैसे रिजॉल्व होती है। दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड है, दिस इज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फील्ड हाफ मैक्स बैकवर्ड फील्ड। बैकवर्ड फील्ड एफ बी हाफ एफ मैक्स। ठीक है, तो ये इसमें एक पॉइंट करके लिखिए,
एमएमएफ, एमएमएफ इज रिप्रेजेंटेड, सॉरी सॉरी, एमएमएफ कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन रिप्रेजेंटेड इन बोथ स्पेस, स्पेस एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस के लिए थीटा डोनेट करेंगे एंड टाइम के लिए स्मॉल टी। तो रिजल्टेंट फील्ड जब आप निकालेंगे एफ इजकल टू, तो फॉरवर्ड फील्ड प्लस बैकवर्ड फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे ऐड होती है। हाफ एफ मैक्स थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस हाफ एफ मैक्स थीटा प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी। इसे हम फॉरवर्ड फील्ड बोलते हैं। फॉरवर्ड फील्ड ए बैकवर्ड है। ऐसे समझ में? तो यहां पे क्वेश्चन है, राइज होता है व्हाई ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। पॉइंट करके लिखिएगा, व्हाई अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर में, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके रीजन के बारे में जानते हैं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वह क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, देखते हैं। तो स्लिप हम लोग जानते हैं, स्लिप स्लिप एस इजकल टू एन एस माइनस एन आर अपान एन एस होता है। जनरल हम फॉरवर्ड लेके चले गए, यस स्लिप क्या जाएगा, फॉरवर्ड स्लिप। जब बैकवर्ड स्लिप देखेंगे एनएस माइनस एनआर हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो एनएस प्लस एनआर अपान एनएस हो जाएगा बैकवर्ड स्लिप। जब हम फॉरवर्ड स्लिप से एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, यह रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड, तो एन आर इजकल टू वन माइनस एस एन एस, यहां पे एस स्लिप है। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 दे देंगे, इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, जब इक्वेशन 3 को, इक्वेशन एन आर की वैल्यू को जब यहां पे पुट करेंगे तो बैकवर्ड स्लिप बनेगा एस बी इजकल टू एन एस प्लस वन माइनस एस
एनएस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बैकवर्ड स्लिप आएगी 2 माइनस एस। ठीक है, तो हमें मिल गया फॉरवर्ड स्लिप क्या है, एस है, और बैकवर्ड स्लिप क्या आई, एस भी क्या आई, 2 माइनस एस। तो एट स्टार्टिंग कंडीशन पे देखते हैं, नोट पॉइंट पे लिखिएगा एट स्टार्टिंग कंडीशन। एट स्टार्टिंग कंडीशन पे जो स्लिप यस होती है 1 हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग कंडीशन पे रहते हैं तो एनआर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एनआर की वैल्यू 0 होती है। जब एनआर की वैल्यू इस फॉरवर्ड स्लिप में पुट करेंगे तो यस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब यस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बैकवर्ड स्लिप जब निकालेंगे तो बैकवर्ड स्लिप क्या निकाले हैं, 2 माइनस एस निकाले हैं। तो 2 माइनस स्लिप की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बैकवर्ड स्लिप 1 हो जाएगी। इसका मतलब एट स्टार्टिंग कंडीशन पे बैकवर्ड स्लिप एंड फॉरवर्ड स्लिप दोनों इक्वल होती है। ठीक है, एट स्टार्टिंग कंडीशन पे बैकवर्ड स्लिप एंड फॉरवर्ड स्लिप दोनों इक्वल होती है। एट ए टाइम मैक्सिमम वेरिएशन, पॉइंट करके लिख डालिएगा, एट अ टाइम मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम वेरिएशन पे देखेंगे तो जो एनआर की वैल्यू होती है एनएस के इक्वल हो जाती है। एनआर एनएस के इक्वल जब हो जाएगा तो फॉरवर्ड स्लिप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉरवर्ड स्लिप 0 हो जाएगी जब एनएस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फॉरवर्ड स्लिप 0 हो जाएगी। इसका मतलब बैकवर्ड स्लिप क्या आएगी, 2 माइनस एस इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब एट अ टाइम मैक्सिमम वेरिएशन पे फॉरवर्ड स्लिप 2 होगी। ठीक है, आया समझ में। तो यहां पे हम लोग जानते हैं जनरल टार्क इक्वेशन। यदि हम एक सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर में फाइंड आउट किए थे जनरल टार्क इक्वेशन, T = KI2² R2/S, ये क्या है, जनरल टार्क इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम पता लगाएंगे कि क्यों नहीं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। तो ये देखते हैं, जब हम फॉरवर्ड टार्क निकालेंगे और बैकवर्ड टार्क, देखते हैं फॉरवर्ड टार्क क्या होती है। फॉरवर्ड टार्क टीएफ जब निकालेंगे तो के I2² R2/SF हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं KI2² R2/S लिख सकते हैं। ठीक है, और जब फॉरवर्ड बैकवर्ड टार्क देखेंगे तो फॉरवर्ड टार्क निकल गया, बैकवर्ड टार्क निकालेंगे, बैकवर्ड टार्क टीबी देखेंगे तो KI2² R2/SB = KI2R2/2 - S। इसे इक्वेशन 4 देंगे, इसे इक्वेशन 5 देंगे। जब रिजल्टेंट टार्क निकालेंगे TR तो क्या हो जाएगा, TF - TB। रिजल्टेंट टार्क क्या बनेगा, TF - TB बनेगा।
जब TF और TB की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो रिजल्टेंट टॉर्क बनेगा के टू आर टू अपान एस माइनस के आई टू आर टू अपान टू माइनस एस। तो एट स्टार्टिंग कंडीशन पे, एट स्टार्टिंग कंडीशन पे देखेंगे, कंडीशन पे स्लीप की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, स्लीप की वैल्यू वन हो जाती है। जब स्लीप की वैल्यू वन उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में तो सिक्स इक्वेशन में पुट करेंगे, तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या बनेगा, के आई टू स्क्वायर आर टू अपान एस माइनस के आई टू आर टू स्क्वायर अपान टू माइनस एस। जब वैल्यू पुट करेंगे तो के आई टू आर टू अपान वन माइनस के आई टू आर टू अपान टू माइनस वन, इसका मतलब जीरो। एट स्टार्टिंग कंडीशन पे रिजल्टेंट टॉर्क क्या आया, जीरो। इसलिए हम कह सकते हैं कि अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। नोट पॉइंट करके लिखिएगा, हेंस अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, आया समझ में कि क्यों नहीं सिंगल, क्यों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके स्टार्टिंग मेथड को, कि कौन कौन से स्टार्टिंग मेथड है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। और जैसे हम जनरल जानते हैं कि स्लिप फेज मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।